अस्सलामु अलैकुम। आज पढ़ेंगे नॉर्मल फ्लोरा, यानी माइक्रोबायोलॉजी का एक टॉपिक है नॉर्मल फ्लोरा। देखिए, नॉर्मल फ्लोरा ऐसे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड पैरासाइट्स, उन सब की कलेक्शन को कहते हैं जो कि नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनका नाम है नॉर्मल फ्लोरा। तो इसको मैं लिखूँ तो मैं कहूँगा ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर लिविंग इनसाइड ह्यूमन बॉडी एंड वेयर दे डू नॉट कॉज एनी डिजीज। ठीक है, नॉर्मली इसका मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया जो कि हमारे बॉडी के अंदर तो होते हैं, लेकिन नॉर्मली वो कोई भी डिजीज़ जो है वो काज नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन आ जाता है जिसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, तब वो जाके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्फेक्शन काज कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ नॉर्मल फ्लोरा बेनिफिट है बॉडी के लिए, कोई ये जो है डिजीज़ काज नहीं करता। तो इसमें एग्जाम्पल आप जो है एग्जाम्पल के लिए आप बैक्टीरिया लिख सकते हैं, ठीक है, फंजाई लिख सकते हैं, पैरासाइट्स वगैरह, ठीक है। तो बैक्टीरिया मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ, ये तो ये हो गया। लेकिन इसके बाद आपको कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए, मतलब ये नॉर्मल फ्लोरा तो पता चला हमें, बाद में बताएंगे कि हाँ जो नॉर्मल फ्लोरा की लोकेशन क्या है, कहाँ पर होता है, लेकिन इससे पहले कुछ पता होना चाहिए, कुछ टर्म्स हैं उनका पता होना बहुत ज़रूरी है। जिसके पहला जो टर्म है वो है कम्युनलिज्म, ठीक है, नंबर वन। कॉमनसालिज्म, कॉमनसालिज्म, ठीक है। इसका क्या मतलब है? ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट, होस्ट एंड पैरासाइट के दरमियान एक रिलेशनशिप है। इसमें ये होता है कि इसमें एक पार्टनर जो है वो बेनिफिटेड होता है, दूसरा ना तो बेनिफिटेड होता है ना उसमें कोई नुकसान है, ठीक है, ना हार्म ना कोई नुकसान। इसको मैं डेफिनेशन लिखूं तो इसमें क्या होता है, वन पार्टनर इज बेनिफिटेड, ठीक है, एंड अदर इज नॉट हार्मफुल आर बेनिफिटेड, ठीक है। मतलब ये दो चीज़ें हैं ना, इनके दरमियान आपस में रिलेशनशिप है, अगर इसको फ़ायदा है इससे, ठीक है, इसको फ़ायदा है, रेड को फ़ायदा है ब्लू से, तो ब्लू को ना तो कोई नुकसान है ना ब्लू को कोई फ़ायदा है, तो ब्लू कहेगा ठीक है अगर मुझे कोई नुकसान भी नहीं है, ना फ़ायदा है ना नुकसान है, नुकसान नहीं है तो ठीक है, अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो फ़ायदा उठा लो। तो इनको बोलते हैं कम्युनिसलिज्म, ठीक है। ये नंबर वन हो गया। नंबर टू उसका नाम है म्यूचुअलिज्म, ठीक है, म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दोनों होस्ट एंड पैरासाइट दोनों क्या है, बेनिफिटेड होते हैं, ठीक है, बोथ होस्ट एंड पैरासाइट आर बेनिफिटेड। फिर वही बात है, अगर म्यूचुअलिज्म में अगर देखें तो दोनों, मतलब रेड ये भी पैरासाइट है ये होस्ट है, तो दोनों एक दूसरे का फ़ायदा उठा सकते हैं, अगर ये इसकी हेल्प कर रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं इसकी हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो दोनों को फ़ायदा है, इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। अब जो थर्ड पॉइंट है, यानी थर्ड टर्म जो हमें समझना है वो है सिम्बायोट, ठीक है, सिम्बायोट्स,
इसमें क्या होता है, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में। वो क्या करते हैं, वहाँ पर विटामिन बी और विटामिन के की जो है सिंथेसिस करते हैं। तो मैं लिखूँगा दे आर बैक्टीरिया, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन में, प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन। करते क्या हैं, दे सिंथेसाइज्ड, ठीक है, दे सिंथेसाइज, क्या सिंथेसाइज करते हैं, विटामिन, विटामिन बी एंड विटामिन के, ठीक है, ये यहाँ पर हो गए। इसके बाद जो है हमें पढ़ना है एक और टर्म जिसको बोलते हैं कमेंसलिज्म, ठीक है, कॉमेंसल्स। चलें इसको छोड़ देते हैं, ये इतना ख़ास नहीं है, ठीक है, आप उस पे आ जाएं क्लासिफिकेशंस पे कि हमारे पास जो नॉर्मल फ्लोरा जो है वो कितने होते हैं और कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नॉर्मल फ्लोरा की क्लासिफिकेशन या लोकेशन कह दें, लोकेशन ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। अब हम देखेंगे कि एक नॉर्मल फ्लोरा, कौन सा नॉर्मल फ्लोरा कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे कि नॉर्मल फ्लोरा जो कि प्रेजेंट होते हैं माउथ में, ठीक है, माउथ, ठीक है, नाउ माउथ पे जो नॉर्मली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको याद रखने का जो फार्मूला है वो है CNS, ठीक है, याद रखने का फार्मूला है CNS। CNS से क्या बनता है, CNS से जो पहला सी है इसे बनता है कॉरोनी बैक्टीरियम, ठीक है, पहला क्या है, कॉरी बैक्टीरियम, कॉरी बैक्टीरियम, ठीक है, ये नंबर वन हो गया। नंबर टू एन से बनता है नाइजीरिया, नाइजीरिया, और नंबर थ्री से बनता है यानी एस से बनता है स्टिफाइलोकोकस एपिडर्मिस, स्टिफाइलोकोकस एपिडर्मिस, ये हो गई ये बात, ठीक है। इसके बाद मुंह से मतलब जो माउथ है उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है नोज़, नोज़ का पता होना चाहिए कि नोज़ में कौन कौन से नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, ठीक है। तो नोज़ के नॉर्मल फ्लोरा को याद रखने का फार्मूला जो है वो है एस डबल सी, एक होता है CSS, ठीक है, यहाँ पर उल्टा कर लो, सी को डबल कर लो, एस को एक दफ़ा कर लो, ठीक है। तो इसमें पहला जो है वो है स्ट्रिप्टोकोकस, स्ट्रिप्टोकोकस, नंबर टू है क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम, और जो नंबर थ्री है वो है कॉर्नी बैक्टीरियम, वही पहले वाला, ठीक है, कॉर्नी बैक्टीरियम, मतलब कॉर्नी बैक्टीरियम यहाँ पर भी प्रेजेंट है और माउथ पे भी प्रेजेंट है। इसके बाद नोज़, नोज़ के बाद क्या, उसके बाद पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है ना, रेस्पिरेटरी, वहाँ पर कौन कौन से बैक्टीरिया जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं NC, ठीक है, पहला जो है नाइजीरिया, सेकंड जो है वो है कैंडिडा एल्बिकेंस, कैंडिडा एल्बिकेंस, ठीक है, ये हो गया। अब जो है इसके बाद, अब हमें रेस्पिरेटरी के बाद ईयर, ठीक है, कान, वहाँ पर कौन कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया वो होते हैं CS के नाम से, ठीक है, CS एक ही बात है, SC, एस का मतलब है स्टिफाइलोकोकस, ठीक है, स्टिफाइलोकोकस, स्टिफाइलो कोकस, और सी का मतलब है कॉर्नी बैक्टीरियम, वही वाला, ठीक है, कॉर्नी बैक्टीरियम, ठीक है। इसके बाद जो है हमें नॉर्मल फ्लोरा पता होना चाहिए लार्ज इंटेस्टाइन का, स्किन का, सॉरी, ये मुझे पहले बता देना चाहिए था, मैं अभी से बता रहा हूँ, स्किन का, ठीक है, कोई बात नहीं, सिक्वेंस इतना नाम भी हो तो कोई इशू नहीं है। स्किन का जो है इसको याद रखने के लिए जो फार्मूला है MCS, ठीक है, एम
CS, मिलिट्री कॉलेज सुई, मतलब कुछ भी आप बना लें, मिलिट्री कॉलेज सुई, ठीक है। तो इसको आप कैसे बनाते हैं MCS से? एम का मतलब है माइक्रो कोकस, एम का मतलब है माइक्रो कोकस, और सी का मतलब है कॉरिनी बैक्टीरियम। देखो कॉरिनी बैक्टीरियम ज़्यादातर हर जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है, कॉरिनी बैक्टीरियम। और सी मतलब जो एस का मतलब है वो है स्टिफाइलोकोकस, स्टिफाइलोकोकस, ये पता चल गया हमें। इसके बाद जो है लार्ज इंटेस्टाइन के, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के नॉर्मल फ्लोरा। लार्ज इंटेस्टाइन के जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं वो हमारे पास PCL, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा PCL, ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा। पी का मतलब है प्रोटियस, ठीक है, प्रोटियस, ये नंबर वन हो गया। और सी का मतलब है क्लॉस्ट्रिडियम, क्लॉस्ट्रिडियम, ठीक है। और नंबर थ्री का मतलब है, यानी एल, एल का मतलब है लैक्टोबैसिलस, लैक्टो बेसिलस, ठीक है, ये भी गाँव कंप्लीट हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो है आपको पता होना चाहिए कि विजाइना, विजाइना में कौन कौन सा प्रेजेंट होता है, विजाइना, ठीक है, विजाइना में जो प्रेजेंट होता है इसका नाम है, सही, ये तो मैंने शायद यहाँ पर लिखवा दिया, नोज़, ठीक है। देखिए नोज़ का मैं थोड़ा गलत लिखा, क्योंकि नोज़ में ये नहीं आते, ये वजाइना वाले हैं। वजाइना में क्या है, नोज़ का मैं अलग आपको यहाँ पर बता दूंगा, यहाँ से मिटा लें आप, ठीक है, ये यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि जो वजाइना है यहाँ पर ये SCCS है, मतलब वजाइना के पहले लिखते हैं, वजाइना में आता है स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, नंबर टू क्लोस्ट्रेडियम, क्लोस्ट्रेडियम, और नंबर थ्री इसमें आता है कॉरिनी बैक्टीरियम, कॉरिनी बैक्टीरियम। और जो नोज़ वाले हैं, नोज़ में आता है नाइजीरिया, ठीक है, और दूसरा आता है स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, ये आप काइंडली यहाँ से मिटा दें क्योंकि ये वजाइना में आते हैं, या जस्ट आप इस हेडिंग को मिटा लें तब भी सही है, ठीक है। तो आप इसकी जगह नोज़ की जगह वजाइना कर लें, और वजाइना की जगह नोज़ कर लें, तभी बात मतलब चेंज हो जाता है। वजाइना के बाद आप यूरिथ्रा के कर लें, यूरिथ्रा में कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो यूरिथ्रा में जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं वो होता है माइकोप्लाज्मा, माइको प्लाज्मा, और सेकेंड होता है कैंडिडा, कैंडिडा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा एंड कैंडिडा, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, ये प्रेजेंट होते हैं यूरिथ्रा पे। तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है कि हमारे पास कौन कौन से नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है, और कौन सी बैक्टीरिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है। होपफुली आपको पूरी तरह समझ आ गई होगी। और यहाँ पर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा हूँ, तो किसी स्टूडेंट को किसी टॉपिक में मसला आ रहा हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, ताकि उसके लिए वो टॉपिक जो है अपलोड कर दिया जाए। और ये रहा मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। और नॉर्मल फ्लोरा जो है ये जितना आप इसको समझ रहे हैं उतना आसान नहीं है, जल्दी भूल जाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, इसको बार बार पढ़ेंगे तभी आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि कैसे इसको कहाँ से याद रखना है। एक एक एग्जांपल सबके याद कर लें तब भी इनफ है, ठीक है। नॉर्मल फ्लोरा होता क्या है वाइवा में ज़्यादा पूछा जाता है, ये कम्युनिसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोटिक, ये वाइवा के सवाल आते हैं, ठीक है। और आपको बाजू का पूछ सकते हैं कि जो भाई कॉर्नी बैक्टीरिया में कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो आपको मतलब MCQs में आ सकता है। बाकी ये था हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा एंड इसकी क्लासिफिकेशन।